हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन में हमने लास्ट क्लास में आपको लाइट्स, लाइट क्या होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इनके कुछ एग्जांपल्स बताए थे कि कहां कहां से हमें लाइट के सोर्स अवेलेबल होते हैं और उनका बाइफरकेशन कि सोर्सेज ऑफ लाइट नेचुरल एंड मैनमेड होते हैं। ओके, अभी तक हमने ये सब पढ़ा था। यहाँ पर नेचुरल सोर्सेज एंड मैनमेड सोर्सेज, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने अभी तक आपको पहली क्लास में बताया था। नाउ वी विल स्टार्ट विद ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। ये तीन वर्ड जो हैं इसे आपको याद कर लेना है। पहला है ट्रांसपेरेंट, सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट, इसे ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, एंड थर्ड इज ओपेक मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक, ये तीन मटेरियल्स, जो भी मटेरियल आप इस वर्ल्ड में देखते हो, मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, वो तीन कैटेगरीज में होता है। अगर हम लाइट के रिस्पेक्ट में बात करें तो पहला ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। तो पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। कुछ लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं। मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, those materials which allow all the light to pass through them are called transparent materials। मतलब वो light को नहीं रोकते and allow all the light to pass through them। light को बीच में रोकते नहीं है, light अगर ऐसे जा रही है तो उसको रोकते नहीं है या बीच में उसके बाधा नहीं उत्पन्न करते हैं। no obstacle is there। okay, example जैसे glass, polythene हो गया, air हो गया, water हो गया, तेल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल लिखा है, आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ठीक है, वी कैन सी क्लियरली थ्रू द ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है उसके आर पार हम हमेशा देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना हुआ है, ओके, जिसमें लिखा है ग्लास allows us all the light to pass through it, so it is a transparent material, we can see clearly through a glass window। हम कोई भी शीशे का ग्लास होता है, हम उस पर आर पार देख लेते हैं। क्यों देख पाते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो लाइट को नहीं रोकता। अगर लाइट को रोकता तो रिफ्लेक्ट कर जाता और वो चीज़ ट्रांसपेरेंट ना होती। ये काम कैसे करता है ये अब हम जानेंगे। अगर कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है मान लेते हैं कि ये एक शीशा है, ठीक है, ये एक शीशे की स्लैब है, ये पतला सा शीशा है, इससे लाइट पास हो जाती है, ठीक है, आर पार पास हो रही है, इसीलिए किसी चीज़ से टकरा करके वो वापस नहीं आ रही। और अगर यहीं पे हम एक लकड़ी ले लें, अगर हम लकड़ी ले लें, इट इज़ अ वुड, और ये क्या है, ग्लास। वुड का क्या है कि अगर कहीं से भी लाइट आ रहा है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी और हमें वुड दिखाई देता है। ग्लास क्या है, ग्लास ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, वो लाइट को रोकती नहीं है बल्कि आगे जाने देती है। आगे जाने की वजह से ये जो ग्लास होता है ये हमें ट्रांसपेरेंट दिखता है, कोई भी चीज़ इसके पीछे होगी तो हमें यहाँ पर नज़र आएगी। ओके, अगर हम इस पॉइंट से देखेंगे, ओके, कोई भी चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी लिखा रखा है, तो अगर हम शीशे के पीछे से देखेंगे तो हमें ए बी सी दिखाई देगा, क्योंकि लाइट हमारे पास से वहाँ तक चली जा रही है। वहीं पे अगर हमारे पास ए बी सी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हैं और अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये लकड़ी है, लकड़ी के आर पार हम नहीं देख पाते। जो हमारा डोर्स होता है लकड़ी का होता है, तो हम क्या लकड़ी के दरवाजे के पीछे तो देख नहीं पाते हैं। अगर वही दरवाज़ा शीशे का होता है तो हमें आर पार चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जो मटेरियल लाइट को नहीं रोकता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल या ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब यही है। ओके एवरीवन, ये जो डेफिनेशन है आप लोगों को ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ये क्या हैं,
दीज मटीरियल्स विच अलाउ ओनली सम पार्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल। ये क्या करते हैं, लाइट पास होने तो देते हैं लेकिन कुछ हद तक, थोड़ी सी लाइट पास होने देते हैं, सारी नहीं। ओके, इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे ग्राउंड ग्लास, फ्रोस्टेड ग्लास, एक तरह का ग्लास, एक तरह का शीशा होता है, जो ब्लर शीशा आप लोगों ने देखा होगा कहीं खिड़कियों में, धुंधला सा शीशा लगा होता है वाइट कलर का। सेकेंड इज़ बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर, ऑयल पेपर, टिशू पेपर, आपने देखा होगा टिशू पेपर अगर किसी चीज़ पे रखो तो थोड़ा बहुत पीछे का चीज़ दिखता है, पूरी तरह नहीं दिखता लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें दिखती हैं। दूसरा है शीट ऑफ वाइट कॉटन या मडी वाटर या क्लाउड आर ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। क्लाउड्स भी क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। अब अगर हम क्लाउड्स को देखते हैं तो हमें वाइट कलर के कुछ दिखते हैं, ठीक है, उसके पीछे की चीज़ें भी हमको हल्की हल्की दिखाई देती हैं कभी कभी, लेकिन पूरी तरह आर पार नहीं देख पाते। बटर पेपर पतला सा होता है या ट्रेसिंग पेपर, अगर हम पतला सा पेपर इस पर रखेंगे बटर पेपर तो हमें ये लिखी हुई चीज़ें दिखाई देंगी लेकिन इतनी क्लियर नहीं दिखाई देंगी। और अगर हम इसी बुक के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीशा रखेंगे तो हमें एज इट इज़ दिखाई देगा, ठीक है। तो दीज आर ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स, दोज मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ कम्प्लीटली लाइट टू पास थ्रू देम, मतलब कि अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू देम, थोड़ी ही लाइट वो अलाउ करते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जाए। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको याद होने चाहिए कि बटर पेपर, ऑयल पेपर, टिशू पेपर, बटर पेपर, ये सब तो आपको पता होगा। फ्रोस्टेड ग्लास, जो ग्लास होता है, जो ब्लर जैसा धुंधला ग्लास होता है घरों में लगाया जाता है, उसको फ्रोस्टेड ग्लास कहते हैं। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल क्या होते हैं, वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि वुड, हमने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया वुड क्या होता है, लाइट को पास नहीं होने देता। तो अगर जो मटेरियल लाइट को एक पॉइंट से आर पार नहीं होने देता, कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहा है यहाँ पे लकड़ी, तो इट इज़ अ ओपेक मटेरियल, जो थोड़ी सी भी लाइट पीछे जाने नहीं देते। इसलिए यहाँ पे लिखा है दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स, ठीक है। जैसे कि कार्डबोर्ड, बुक हो गया, वुड हो गया, बुक है अगर ये इस पर लाइट पड़ रही है, अगर ये लाइट वापस रिफ्लेक्ट ना करता तो हम इस बुक के पीछे देख पाते शीशे की तरह, लेकिन ये बुक ओपेक मटेरियल है। ओके, मेटल हो गया, ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, दीज ऑल आर ओपेक मटेरियल्स। यहाँ पे आपको लकड़ी का दरवाज़ा दिख रहा है, वही दरवाज़ा जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था मैकेनिज़म इसका, यहाँ पे वही एग्जाम्पल आया हुआ है आपके बुक में भी। अ वुडन डोर डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट, सो अ वुडन डोर इज़ अ ओपेक मटेरियल। अगर लाइट पास हो रही होती शीशे की तरह तो हम दरवाजे के पीछे भी देख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, दरवाजे के पीछे हम नहीं देख सकते क्योंकि लाइट इसी से टकरा के वापस आ जा रही है, सो इट इज़ अ ओपेक मटेरियल। और जो अगर पार हो जाती तो ये चीज़ ट्रांसपेरेंट होती तो ये चीज़ ग्लास होती। ओके, अगर ग्लास होता तो लाइट इधर से उधर पार कर सकती थी, लेकिन ये एज अ ग्लास काम नहीं करता, लकड़ी है, ठीक है, सॉलिड चीज़ है, मेटल शीट होती, ब्रिक वॉल होता, ब्रिक का दीवाल होती, आप दीवाल के थ्रू आर पार तो नहीं देख सकते। अगर शीशे की दीवार हो तो आप आर पार देख सकते हो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या मॉल्स में आप लोग को बड़ा सा शीशे का पार्टीशन या दीवारें दिखती हैं जिसके आर पार आप देख सकते हो, जो शोरूम होता है ये सब चीज़ें आपकी ग्लास पैनल की बनाई जाती है, वहाँ पे ब्रिक वाला वॉल नहीं यूज होता, तो ताकि आप अंदर की चीज़ बाहर से ही आराम से देख सकें। ओके, इन नेक्स्ट क्लास नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ अ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव इट। ओके एवरीवन, रिवाइज टिल ओपेक मटेरियल्स, आप लोग ओपेक मटेरियल्स तक रिवाइज करो और इनकी डेफिनेशंस आप लोग को लर्न करनी है। ओके एवरीवन, थैंक यू।